रैपिड वेरिड फ्लो, रैपिड वेरिड स्टडी फ्लो, इन दैट वी आर स्टडिंग हाइड्रोलिक जंप और स्टैंडिंग वेव और शॉक वेव्स, ये तीनों एक ही चीज़ होती है। तो हम आगे स्टार्ट करते हैं। हाइड्रोलिक जंप अकर्स व्हेन द सुपर क्रिटिकल स्ट्रीम मेट सब क्रिटिकल स्ट्रीम ऑफ सफिशियंट डेप्थ। जैसे आप देख रहे हैं कि मैंने इसको तीन मतलब डेप्थ में डिवाइड किया है। YC होता है क्रिटिकल, Y2 और Y1 मैं आगे डिस्क्राइब किया हुआ है। तो आगे जैसे चलेंगे जब मैं बता दूंगा, जैसे वो आगे पानी ऊपर से फ्लो हो रहा है क्रिटिकल डेप्थ पे जाके वापस वो नीचे जाके वापस ऊपर की तरफ जंप करता है और वापस वो रिवर्स होके एज एन रोलर कोस्टर गोल गोल घूमता रहता है और वो आगे बढ़ता रहता है। तो उसके लिए अपन नीचे एक फॉल डिज़ाइन करते हैं जिससे वो उसको डैमेज ना करे डैम के बेस को। फिर आगे मैंने जैसे डायग्राम में शो किया हुआ है कि उसका फ्लो कैसा रहेगा। और नेक्स्ट स्लाइड, Y1 जैसे मैंने पहले कहा था कि Y1 और Y2 आगे डिस्क्राइब किए हुए हैं। तो Y1 होता है वाटर डेप्थ इन सुपर क्रिटिकल जोन और Y2 है वाटर डेप्थ इन सब क्रिटिकल जोन। Y1 एंड Y2 आर नोन एज सब्सिक्वेंट डेप्थ ऑफ कॉन्जुगेट और कॉन्जुगेट डेप्थ। इट इज़ अ डेप्थ एट विच स्पेसिफिक फोर्स इज सेम बट नॉट स्पेसिफिक एनर्जी। स्पेसिफिक एनर्जी इज सेम एट अल्टरनेट डेप्थ। स्पेसिफिक एनर्जी क्या होता है, अलग अलग डेप्थ पे सेम होती है। इसके अंदर एक जो नोट करने की वाली बात है वो देखिए। ड्यू टू हाई टर्बुलेंस एंड शेयर एक्शन ऑफ रोलर देयर इज कंसिडरेबली लॉस ऑफ एनर्जी इन द जंप फॉर्मेशन एंड दैट लॉस इज इनिशियली अननोन देयरफॉर मोमेंटम इक्वेशन इज यूज्ड फॉर एनालिसिस। एप्लीकेशंस ऑफ हाइड्रोलिक जंप, इसके क्या क्या एप्लीकेशंस होंगे वो देखिए। इट इज़ यूज्ड टू डिसिपेट एनर्जी बिलो स्पिल वे वियर्स एंड गेट्स। इट इज़ यूज्ड फॉर मिक्सिंग ऑफ केमिकल इन वाटर एंड वाटर ट्रीटमेंट प्लांट एंड आल्सो यूज्ड फॉर डिसोल्यूशन ऑफ सी वाटर। इट इज़ यूज सेकेंड लिखना, इट इज़ यूज टू इंक्रीज वाटर लोड ऑन एन एप्रन ऑफ हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर देयर बार काउंटर एक्टिंग द अपलिफ्ट प्रेशर। एजम्पशंस इसके क्या क्या होंगे, बिफोर एंड आफ्टर जम्प फ्लो, बिफोर एंड आफ्टर जंप फ्लो इन यूनिफॉर्म एंड प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन इज हाइड्रोस्टेटिक। सेकेंड, लेंथ ऑफ जंप इज सो स्मॉल दैट लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन और चैनल फ्लोर आर स्मॉल एंड हैंस नेग्लेक्टेड। थर्ड है, चैनल फ्लो इज हॉरिजॉन्टल ऑन स्लोप्स इज सो जेंटल दैट वेट कंपोनेंट ऑफ वाटर मास कंप्राइजिंग द जंप इज वेरी स्मॉल। थर्ड स्लाइड, मोमेंटम इक्वेशन फॉर हाइड्रोलिक जंप, इसकी मोमेंटम इक्वेशन क्या क्या होगी। सबसे पहले डायग्राम देख लीजिए। डायग्राम के अंदर मैंने इसको फोर्सेस से शो किया है कि किस तरफ क्या फोर्सेस लगेंगे और ये रोलर कोस्टर पे डिपेंड करता है कि कहाँ पर जंप होके कैसे वो रोलर कोस्टर बनेगा। तो F1 और F2 को मैंने अलग अलग डिस्क्राइब किया है। F3 है स्पेसिफिक फोर्स, F2 है स्पेसिफिक फोर्स जो आप देख पा रहे हैं। F1 - F2 इजिकल्स टू M2 - M1। M1 और M2 मासेस है। F1 plus M1 अपॉन रो जी इजिकल्स टू F2 plus M2 अपॉन रो जी इजिकल्स टू Fs। Fs स्पेसिफिक एनर्जी है। Fs इजिकल्स टू Q² अपॉन G1 A1 प्लस AZ1 इजिकल्स टू Q2² अपॉन GA2 प्लस A2Z2। फिर इसके बाद ये वाली इसकी मोमेंटम इक्वेशन हो गई। इसके बाद अपन को पढ़ना है हाइड्रोलिक जंप इन हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस रेक्टेंगुलर एंड चैनल। इसके लिखना है, इसके मतलब उसके आगे वाला ही है, Q² / GBY1। अब एरिया क्या होगा इसका, B / B × Y1। अब इसको आगे अपन और आगे बढ़ाएंगे तो Q² / GBY1 प्लस BY1 × Y1 / Y2 Y1 / Y2 इजिकल्स टू Q² / G
इंटू बी वाई टू प्लस बी वाई टू इंटू वाई टू बाई टू। इसके आगे और बढ़ाते हैं अपन, क्यू स्क्वायर अपॉन जी बी टू वाई वन प्लस वाई वन स्क्वायर अपॉन टू इजिकल्स टू क्यू स्क्वायर जी बी टू वाई टू प्लस वाई टू स्क्वायर बाई टू। इसके आगे और बढ़ते हैं, क्यू स्क्वायर अपॉन जी वाई वन प्लस वाई वन बाई टू इजिकल्स टू क्यू स्क्वायर अपॉन जी वाई टू प्लस वाई टू स्क्वायर अपॉन टू क्यू स्क्वायर बाई जी इंटू ब्रैकेट में वन बाई वाई वन माइनस वन बाई वाई टू इजिकल्स टू वाई टू स्क्वायर माइनस वाई वन स्क्वायर अपॉन टू क्यू स्क्वायर जी माइनस वन बाई वाई वन वाई टू इजिकल्स टू वाई टू माइनस वाई वन बाई टू। ऐसे ही आगे बढ़ बढ़ के अपन ने इसके हाइड्रोलिक जंप का रेशियोज़ की इक्वेशन जनरेट की, जैसे फाइनली जनरेट हुई है वाई टू बाई वाई वन इजिकल्स टू वन बाई टू इंटू ब्रैकेट में माइनस वन प्लस अंडर रूट वन प्लस एट एफ वन स्क्वायर। एफ वन यहाँ पर होगा फोर्स जो मैंने पहले वहाँ पर बताया था, फिर इसकी आगे वाले मतलब क्या बोलता है, आगे वाला आएगा एनर्जी लॉस ई एल होता है ई वन माइनस ई टू। ई वन क्या होता है, वाई वन प्लस वी वन स्क्वायर अपॉन टू जी माइनस वाई टू प्लस वी स्क्वायर अपॉन टू जी। इसको आगे बढ़ाते करते हैं तो ई एल हो जाएगा वाई टू माइनस वाई वन का क्यूब बाई फोर वाई वन वाई टू। और फिर इसके बाद में रिलेशन बिटवीन एफ वन एंड एफ टू, एफ वन स्क्वायर हो जाएगा क्यू स्क्वायर अपॉन क्यू वाई वन क्यूब अपॉन वाई टू स्क्वायर इन टू वाई टू का होल क्यूब इजिकल्स टू एफ टू स्क्वायर अपॉन वाई वन बाई वाई टू का होल क्यूब। इसके आगे चलते हैं, एफ वन इजिकल्स टू एफ टू स्क्वायर अपॉन वन बाई टू इन टू माइनस वन प्लस अंडर रूट एफ वन प्लस एफ टू का होल स्क्वायर एफ टू का स्क्वायर इन टू होल क्यूब। फिर रिलेटिव एनर्जी लॉस होती है ई एल बाई ई वन, ई एल होता है ई वन माइनस ई टू बाई ई वन। तो ऐसे अपन कर सकते हैं तो इजिकल्स टू वन माइनस ई टू बाई ई वन, और ई टू बाई ई वन होता है इफेक्टिव जंप। ई एल बाई ई वन इजिकल्स टू ई एल बाई, मतलब दोनों को वाई वन से डिवाइड कर दिया ई एल और ई वन को। फिर नेक्स्ट लाइन में चलते हैं, ई वन इजिकल्स टू वाई वन प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन टू जी वाई टू वाई वन स्क्वायर इजिकल्स टू वाई वन इन टू वन प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन टू क्यू वाई वन क्यूब। और फिर नेक्स्ट लाइन पे चलते हैं, एफ वन बाई वाई वन इजिकल्स टू वन प्लस एफ वन का होल स्क्वायर बाई टू। फिर नेक्स्ट लाइन में चलता है, ई एल बाई ई एल इजिकल्स टू वाई टू माइनस वाई वन का होल क्यूब अपॉन फोर वाई वन वाई टू। फिर नेक्स्ट लाइन में चलता है, ई एल बाई ई वन इजिकल्स टू वाई टू माइनस वाई वन माइनस वन अपॉन फोर वाई टू माइनस वाई वन वाई टू अपॉन वाई वन इन टू वन प्लस एफ वन स्क्वायर अपॉन टू। तो फिर अपन हाइट ऑफ जंप निकालते हैं वाई टू माइनस वाई वन से, और जंप इजिकल्स टू हाइट ऑफ जंप बाई ई वन। रिलेटिव इनिशियल डेप्थ होती है वाई वन अपॉन ई वन, और रिलेटिव सीक्वेंट जंप होती है वाई टू बाई ई वन। तो लेंथ ऑफ जंप कितनी हो जाएगी, 6.9 इनटू वाई टू माइनस वाई वन। और नेक्स्ट लाइन में, एल वन बाई वाई टू इजिकल्स टू फंक्शन ऑफ एफ वन इफ एफ वन इज लेस देन इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू फाइव इज लेस देन इक्वल्स टू फाइव। और एल वन बाई वाई टू इजिकल्स टू 6.1 इफ एफ वन इज ग्रेटर देन फाइव। क्लासिफिकेशन कैसे जंप होगा, अपन ने एफ वन और एफ टू को अलग अलग रेंजेस में डिवाइड कर दिया है,
अंडुलर जंप, वीक जंप, ऑसिलेटिंग जंप, स्टडी जंप एंड स्ट्रॉन्ग जंप, इन सबको अलग अलग वेरिएशंस में डिवाइड किया हुआ है, तो अपन ये पढ़ सकते हैं। इसी के साथ ये रैपिड वैलिड फ्लो ओवर होता है।